ये हमारे सेंटर क्लास है, ये स्लाई सेंटर क्लास है। आप स्लाई टीचर हैं? जी। आपका नाम? किरण। किरण, अच्छा तो किरण आप कितने वर्ष से बच्चों को सिखा रही हो स्लाई? अभी 2-3 महीने हुए मुझे सब सिखाते हुए स्लाई। अच्छा, और कितनी एज की बच्चियां हैं जो आपसे स्लाई सीखती हैं? तकरीबन 14 साल की है, कुछ 15 साल की है, अच्छा 16 साल की है, और छोटी भी कुछ ज्यादा एज की है। अच्छा, 2-3 महीने से आ रही है, पहले दूसरी टीचर की। ओके ओके, कोई बात नहीं। तो ये सारे डिजाइन जो है ये सब आपने? जी, कुछ हमने स्लाई किए, कुछ बच्चियां जो सीखती है उन्होंने किए। दिखाई इनका काम, दिखाई है इस बार। ये देखिए जी सर, आइए, कितनी प्यारी सी एक फ्रॉक जो है, बड़ा अच्छा सा फ्रिल लगा हुआ है इस पे। अच्छा, ये छोटी ये देखिए, ये रोटियों का जैसे ट्रे का कपड़ा, ये भी खुद आप लोगों ने बनवाया है, बच्चों ने बनाया, जबरदस्त। ये वो क्रोशिया वर्क जो है, ये बनाते हैं, ये भी बच्चियों ने तैयार किया है। वाओ, जबरदस्त, अच्छा लग रहा है। ये भी रोटी रखने का, जबरदस्त, बहुत प्यार। ये कितना प्यारा जो है ये आर्ट एंड क्राफ्ट है जो यहाँ पे बच्चे सीख रहे हैं, मतलब यहाँ पे पढ़ाई भी हो रही है और उनको हाथ का हुनर भी सिखाया जा रहा है। बहुत अच्छा काम है ये बच्चों की। अच्छा, ये बताइए कि अगर नॉर्मली कोई इर्द गिर्द के आपके गांव के यहाँ के जो भी लोग हैं वो आके सिलाई करवाना चाहे अपने कपड़े तो करवाते हैं? नहीं मैडम, अभी तो फिलहाल हम बच्चों, अच्छा सिर्फ सिखा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सही है, बहुत कम है, दो है मेरे में। ओके, अभी यहाँ पे आपको सिलाई मशीनों की नीड है, टाइम कम होता है तो बच्चे ज्यादा होते हैं, इस वजह से टाइम थोड़ा। एटलीस्ट कितनी सिलाई मशीनें आपको लगता है कि आ जाए तो आपका काम अच्छा होगा? हमारे पास जैसे 30-40 बच्चियाँ हैं तो मेरे ख्याल में हमें 6 मशीनों की और जरूरत है। और ये हाथ की मशीन है सारी, बिजली की नहीं है, बिजली का मजा। हाँ, यहाँ लाइट का इशू है तो इसलिए इनको यहाँ पे हाथ की मशीन चाहिए। देखिए जो सुन रहा है, जो देख रहा है, अगर कोई डोनेट करना चाहे, मैं ये भी कहना चाहूंगी आपको, जैसे पायदान होते हैं वो हमें एक दो मिल गए तो पढ़ाई भी सीख सकती है। अच्छा, तो सिखाने वाला है आपके पास अवेलेबल? किसको आती है यहाँ पे? एक टीचर है। अच्छा, किसी पे सिखा सकती है पायदान? अच्छा अच्छा अच्छा, सही, ठीक है, नाइस, अच्छा काम कर रहे हो आप लोग। आप देख सकते हो कि ये मनु बिकनर स्कूल में जो हमारा सिलाई सेंटर चल रहा है, इसमें ये मतलब 2 शिफ्टों में हम ये सेंटर चलाते हैं, हाफ हाफ बच्चियां, क्योंकि हमारे पास जगह भी कम है और मशीनों की भी बहुत कमी है, मतलब हमारे पास सिर्फ 2 मशीनें हैं, तो इस वजह से हम जो है 2 शिफ्टों में चलाते हैं ये सिलाई सेंटर। और इस वक्त ये देख सकते हैं कि आप ये बच्ची अभी सिलाई कर रही है, नंबर वाइज हम इनको सिलाई करने के लिए मौका देते हैं, तो इस तरह से ये बच्चियां सीख रही हैं। थैंक यू।